डिजिटल पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर होगा 426। ठीक है, तो 26 में मैं बताने वाला हूँ एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। कभी कभी देता है इसका एक्सपेंशन में चार टर्म्स होते हैं, है ना, ऑप्शन में चार होंगे, कौन सा करेक्ट होगा वो हमको छांटना होता है। तो इसको अगर या तो फॉर्मूला याद कर लेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फॉर्मूला से x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इनके फॉर्मूला यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं, ई की पावर एक्स का पुट करें पहले 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस एड इन फाइव माइनस ई की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 डॉट एड इन फाइव। तो ये हो जाएगा 1/2 सोल्व होके 2x कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे उनको कट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे उनको कट कर देंगे। तो कट करने के बाद बचता है 2x, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो चुका होगा, x वाला बचेगा। उसके बाद बचेगा 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट 2 से कैंसिल x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एट इन फाइव। यानी कि ये हो गया हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, एक्स प्लस एक्स की घात 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट एट एन फाइनेट। नेक्स्ट है ऐसे 27 नंबर कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्म ये होता है, इसका जनरल फॉर्मूला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसका एक्सपेंडिंग हमको फाइंडिंग करना है, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट एट इनफाइनाइट प्लस ई की पावर माइनस एक्स में हो जाएगा बाद माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एट इनफाइनाइट। तो ये बचता है 2x प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x की घात 4 बाई फैक्टोरियल 4 एड इनफाइनाइट। ये करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एड इनफाइनाइट। यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 4 बाई फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन है टू सेपरेट ई की पावर जेड इन टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी ई की पावर जेड से हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या करना है, अलग अलग करना है। देखिएगा सॉल्यूशन में लेते ई की पावर जेड, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई वाई। आयलर्स थ्योरम का यूज करते हैं ई की पावर आई वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस का आई साइन वाई। ई की पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। तो ये हो गया रियल पार्ट और आई की मल्टीप्लाइंग वाला इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट्स आपने चला रहा है एंड रियल पार्ट्स भी क्लियर हो रहा है। तो रियल पार्ट्स हो गया ई की पावर एक्स कोस वाई एंड इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन वाई, ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। ये होगा इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 29 नंबर।
टू सेपरेट साइन जेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी कि साइन जेड से हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, साइन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वन, ठीक है, साइन एक्स प्लस आई वन। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एक्स प्लस आई वन इक्वल टू साइन एक्स कोस आई वन प्लस का कोस एक्स साइन आई वाई। तो यहाँ पे कोस आई वाई इक्वल टू होता है कोस हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि कोस आई वाई इक्वल टू होगा कोस हाइपरबोलिक वाई एंड साइन आई वाई इक्वल टू होगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू इसकी वैल्यू है कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स साइन आई वाई की हो जाएगी आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये हो गया साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये होगा रियल पार्ट्स और ये होगा इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमको अलग करना था, यानी सेपरेट करना था। रियल पार्ट्स भी आ गया है और इमेजिनरी पार्ट्स भी आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इनटू कोस जेड। टू सेपरेट कोस जेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी कि कोस जेड से हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करना है, यानी कि सेपरेट करना है। सॉल्यूशन लेते हैं, कोस जेड इक्वल टू कोस जेड इक्वल टू होगा एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे कोस ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी कोस एक्स कोस आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। तो यहाँ पे हम कोस एक्स कोस आई वाई को लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई आई साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस का आई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हुआ रियल पार्ट्स और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये कई क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो सकते हैं सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन टीजीटी में आता ही आता है। यूपी टीजीटी की बात करें तो वन क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा।